हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए आज क्लास 11th का जो नया सिलेबस आया हुआ है, हॉर्नबिल बुक का नाम है, उसके अनुसार जो पहला पोयम है ए फोटोग्राफ, जिसकी पोएटेस शैली टाउलसन हैं, जिन्होंने इस कविता में अपनी माँ के बारे में अपने इमोशंस को व्यक्त किया है। ये चैप्टर इमोशन से भरा हुआ है। आज हम इस चैप्टर के थीम के बारे में डिस्कस करेंगे और आई होप ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एक तस्वीर को देखकर पोएटेस शैर्ली टाउलसन कहती हैं, ये मेरी माँ की फोटो है, ये मेरे माँ की बचपन की फोटो है। शायद इस समय वो लगभग 12 साल की थी। इस फोटो में मेरी माँ एक बीच पर खड़ी है और उनके साथ उनकी दो कजन सिस्टर भी खड़ी हैं। ये सिस्टर मेरी माँ से छोटी हैं। दोनों ने मेरी माँ का हाथ एक दूसरे से पकड़ा हुआ है। जब ये फोटो ली जा रही थी तो काफ़ी तेज हवाएं चल रही थी, जिससे तीनों के बाल उनके मुस्कुराते हुए चेहरे पे आ रहे थे। ये फोटो उनके अंकल ने ली थी। यार, मेरी माँ कितनी सुंदर दिखाई देती थी, है ना। खैर, ये पिक्चर तब की है जब मेरी माँ केवल 12 साल की थी। आज भी वो बीच वैसा ही है, पर इस बीच पर ये खड़ी तीनों लड़कियाँ, इनकी लाइफ बदल चुकी है। इनकी लाइफ में छोड़ो यार, जाने दो, वरना मैं रो दूंगी। मुझे आज भी याद है जब मेरी माँ 35 से 40 साल की थी और मैं बच्ची थी, तो मेरी माँ मुझे एक फ़ोटो दिखाया करती थी। वो मुझे ये पिक दिखाते हुए बहुत खुश होती थी और मुझसे हमेशा कहती थी, अरे देखो जरा बेटी और डॉली को। फिर कहती, यार हम लोगों ने कैसे कपड़े पहने थे। माँ की वो पिक आज भी है। वो बीच, वो समुद्र, वो लहरें आज भी हैं, पर मेरी माँ का वो हंसता चेहरा आज नहीं है। मेरी माँ आज नहीं है। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। बीच पर घूमने वाली पिक माँ के पास्ट को बताती है और माँ का हंसता हुआ चेहरा मेरे पास्ट को दर्शाता है। माँ अपने पास्ट को मिस कर रही थी और मैं आज अपने पास्ट को मिस कर रही हूँ। माँ का बचपन, जब माँ खुद याद करती थी तो वो इमोशन हो जाती थी, और आज जब मैं याद करती हूँ तो मैं रो रही हूँ। समय बीतने के साथ साथ दोनों ने इस नुकसान को सहना सीख लिया है। मैंने भी अब ये समझ लिया है कि मेरी माँ अब मेरे साथ नहीं है। मैंने भी इस नुकसान को सहना सीख लिया है। आज मेरी माँ को मरे हुए लगभग 12 साल हो गए। 12 साल से मेरी माँ मेरे साथ नहीं है। 12 साल यार, 12 साल का मतलब जितना इस पिक में उनका उम्र दिखाई दे रहा है, उतना ही मेरी माँ को मरे हुए साल हो गए हैं। और आज भी जब मैं अपनी माँ को याद करती हूँ तो मैं सहम जाती हूँ, मैं रो जाती हूँ। और माँ, तू कहाँ चली, देख तेरी बेटी तुझे कितना मिस कर रही है, तुझे याद करके कितना रोती है। माँ, एक बार तू वापस आ। सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। यार, इसे पढ़ाते पढ़ाते मैं भी इमोशनल हो गया, कुछ नहीं कह पाऊँगा। तो गाइज़, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।